टकटकी लगाए हुए जब एक छोटा सा स्पैरो का बेबी अपनी माँ के इंतजार में भूख प्यासा बैठा होता है, तभी उसकी माँ उड़कर आती है और उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लेकर आती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पैरो किस तरीके से ग्रो करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्पैरो से रिलेटेड होंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक वंस अगेन, और सेव स्पैरोज की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कुछ जो स्पैरोज के कंजर्वेशन के लिए जो नेस्ट है वो किस तरीके से बनाने हैं, उनके नेस्ट कैसे दिखते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी शेयर करूँगा। और मेरे यहाँ पर जो स्पैरोज थे वो अल्टीमेटली उनके जो बेबीज़ हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब वो उड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको उनका भी व्यू यहाँ पर दिखाऊंगा। बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आप एक नेचर लवर हैं तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी ग्रीनरी आप सभी को अपने आसपास में रखनी चाहिए। मेरे पास में एक बड़ा सा ये आंवले का पेड़ है और इस आंवले के पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्ड आकर बैठते हैं, तो ये एक पोल जा रहा है। देखिए कुछ अभी बर्ड्स आई थिंक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और घर के सामने एक बहुत बड़ा सा और भी पेड़ है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बर्ड्स बैठते हैं। देखो अल्टीमेटली क्या है कि अगर जहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पर बर्ड्स की जो संख्या है वो वहाँ पर बहुत कम हुई है, लेकिन हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग्स में पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप कुछ घोंसले कुछ घर वगैरह अगर आप वहाँ पर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पर स्पैरो वहाँ पर ज़रूर आएगा। मैं आपको उसका एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी अल्टीमेटली क्या था, ये मेरा थोड़ा बाहर का एरिया था, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल इस कॉर्नर में एक पॉम ट्री लगा था और यहाँ पर एक मैंने हाउस बनाया हुआ है, ठीक है। इस हाउस में अल्टीमेटली स्पैरोज आ चुके हैं और इसके जो बेबीज हैं वो कुछ दिनों में ही देखने को यहाँ पर मिलेंगे, मैं उनका व्यू भी आप सभी को दिखाऊंगा। सुबह सुबह जब उठा तो एक स्पैरो चक्कर मार रहा था, तो मुझे लगा देखना चाहिए यार क्या है, तो मैंने वहाँ पर कैमरा ट्राइपॉड के साथ लगाया, तो ये है एक फीमेल स्पैरो और लगातार कुछ ना कुछ अपनी चोंच में दबाकर ये लेकर आ रही थी और अपने घर को और भी अंदर से काफ़ी खूबसूरत और भी गद्दीदार ये बना रही थी। इसके साथ में इसका साथी मेल स्पैरो वो भी था, तो आपको ये भी दिखाई देगा कि मेल स्पैरो के गले में एक ब्लैक बैंड होता है, ये आप देख सकते हैं, ये है मेल स्पैरो। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एरिया था थोड़ा सा घर के बाहर का, तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावरिंग वगैरह यहाँ पर कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए, तो इस कॉर्नर पर मुझे लगा कि शायद एक नेस्ट होना चाहिए और ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, उसके बाद में मैंने इसको लगा दिया। अगर आप इसको बाय करना चाहेंगे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा सा अगर मैं इधर बढ़ूँ तो इस कॉर्नर के साइड में भी मैंने एक छोटा सा एक हाउस लगाया हुआ है, ये भी कोना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बर्ड जो हैं वो डिस्टर्ब कहीं पर भी ना हो, तो आप कुछ ऐसी जगह अगर आप चूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली बर्ड्स वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो बड़े जूट के हाउसेस हैं इसमें स्पैरो रहना अल्टीमेटली पसंद करते हैं, और आपके आसपास में जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतना ज़्यादा जो है बर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर। मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, एक छोटा सा ये देख रहा हूँ शॉवर काइंड ऑफ ये चल रहा है, और अभी कुछ बर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर नहाते हैं। मेरे पास में एक स्प्रे गन थी जिससे मैं प्लांट्स में वाटरिंग करता था, तो अभी दिन में उसको चला देता हूँ, तो पानी भी थोड़ा सा आप देख सकते हो ये चलता रहता है, ठीक है, नीचे के लिए प्रॉपर पानी भी चल रहा है और बर्ड्स आकर यहाँ पर नहाते भी हैं, बहुत खूबसूरत लम्हा यहाँ पर लगता है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक शॉवर काइंड ऑफ, एक मेरे पास में गन है तो गन मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है, और इस गन का जो वो है वो आप देख सकते हैं, ये पानी की जो बहुत अच्छी थी बारिश काइंड ऑफ हो रही है और यहाँ पर बर्ड्स आती हैं नहाती हैं अच्छी तरीके से, काफ़ी इन्जॉय करना वो अल्टीमेटली यहाँ पर पसंद करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे उनके लिए हम लोग इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिससे वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हों और वो यहाँ पर आएँ। और जो मेरी रूफ टॉप है वहाँ पर मैंने अल्टीमेटली सारे हाउसेस लगा रखे हैं, तो मैं ऊपर चलकर आपको वो सारी चीज़ें भी एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी मैं छत पर जैसे ही आया तो मुझे एक ये स्पैरो यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दी, ये बिल्कुल लाइव फुटेज है छत पर आने के साथ में। मैंने इनके लिए यहाँ पर एक फीडर जो है वो खाने का लगा रखा है, ये स्पैरो का बर्ड फीडर है जिसमें मैं इनके लिए यूज़ कराता हूँ कंगनी। कंगनी इनका बहुत ही फेवरेट फूड होता है, और ये यहाँ पर मैंने जो पानी है ना उसका प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर कर रखा है, तो जो बर्ड्स आते हैं वो यहाँ पर पानी यहाँ से पीते हैं। ये जूट थोड़ा सा सीक्रेट है, कई बार क्या होता है कि जब अपना वो नेस्टिंग मटेरियल ढूंढते हैं तो इसमें से थोड़ा थोड़ा जूट का टुकड़ा ले जाते हैं बर्ड्स, ठीक है, और वो ले जाकर अपने घर में कहीं ना कहीं पर लगाते हैं। ये है अल्टीमेटली जो पूरा हाउस कलेक्शन, इसके अंदर जो है अभी दो नियर अबाउट अच्छे खासे साइज के बर्ड्स हैं जो बेबीज़ हैं उनके, और इसमें भी बर्ड्स आते हैं
और मैंने एक अभी नया हाउस जो है वो थोड़े दिन पहले इसको बाय किया था, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो कुछ प्लांट्स वगैरह के आसपास में ये काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो, ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल पास में ये एक फीमेल स्पैरो है, ठीक है। देखो मेल और फीमेल स्पैरो में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे आपको फीमेल स्पैरो दिख रहा है, जो मेल होगा ना उसके गले में एक ब्लैक कलर का बैंड काइंड ऑफ होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा ब्लैक साइन होगा, ओके। तो वो हमारा जो अल्टीमेटली है वो होता है एक मेल फीमेल, ठीक है, मेल स्पैरो, और ये है फीमेल स्पैरो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा जिनको अगर आप अप्लाई करोगे तो मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे हाउसेस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक स्पैरो ये ऊपर बैठा हुआ है, ये यू कैन सी, ये ऊपर भी बैठा हुआ है, और अभी थोड़ी सी हवा बहुत ही तेज़ चल रही है तो ये पार्क में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं तो वो अल्टीमेटली अभी इधर उधर हो रखे हैं। और इनके बैठने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। पहले मेरे पास में एक प्लांट था जिसको हम लोग बोलते हैं अपराजिता, तो इस बेल को मैनेज करने के लिए, इसमें ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर आता है, तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला एक स्टैंड लगाया था, ठीक है। तो अभी ये देखो ग्रो कर रहा है, अब ये इसके साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगा और बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पर एक साथ में आएंगे। और ये आप देख लो ना, एक आर्टिफिशियल ट्री है, ठीक है। मेरे पास में एक पेंट का बकेट रखा हुआ था, पेंट का डिब्बा, मैंने उसमें बहुत सारा सैंड और वगैरह डालकर, रेत बजरी से मैंने इस पेड़ को यहाँ पर लगाया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज व्यू यहाँ पर दिखाता हूँ, ये था वो। और इस पेड़ को लगाने का मेरा बेसिक मोटिव यही था, एक तो इसमें फीडर बॉक्स है, ये मुझे लगा दिया जाए बर्ड फीडर, ठीक है। एक छोटी सी रात में लालटेन लगा दिए, कुछ यहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं, और ये मनी प्लांट है, ठीक है। तो बर्ड्स जब यहाँ पर इस पोल पर आकर बैठते हैं ना तो उनको फील आता है कि हाँ हम थोड़ा सा नेचर के आसपास में हैं, ठीक है। और साइड में कोचिया मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, और ये जिनिया वगैरह हैं, ठीक है। तो ये पोटोलिका है, तो अलग अलग जो हैं प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। और ये हैंगिंग है जो कि सारे अच्छे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। और फ्रंट में ये एक छोटा सा मेरे पास में एरिया था जिसमें मैंने इसको गार्डन के तौर पर यूज़ कर लिया है, ये बोगनवेलिया है। ये मैंने जैसा आपको बताया कि ये आंवले का बड़ा पेड़ है और सामने बड़ा पार्क है, तो बहुत सारे बर्ड जो हैं वो इसी पार्क से होते हुए सामने बैठते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं और इन घरों में अपने अंडे देते हैं। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या, देखो ये मेरे पास में सबसे ऊपर टॉप पर दिख रहा है, ये भी एक हाउस है, और ये देखिए ये स्पैरो का हाउस है जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, लकड़ी बच गई थी तो उसका यूज़ किया और उसको पेंट किया और मैंने यहाँ पर ड्रिल मशीन से इसको टांग दिया, ठीक है। तो इसमें बेबीज़ आते हैं और अभी हैं भी, इसमें भी लगभग 2 से 3 बेबीज़ हैं अभी, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और इसमें भी बर्ड्स आते हैं, ठीक है। आप ये मान कर चलें कि स्पैरो कभी भी परमानेंट हाउस में नहीं रहती है, वो बाहर घूमती हुई आपको मिलेगी, बट हाँ जब उसके अंडे हो जाएंगे तो वो उन घरों में केवल बाहर से जो है बेबी के लिए फूड लेकर आएगी और वो इनको खिलाएगी, फिर उड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन रहेगी इसके आसपास में ताकि कोई घोंसलों को छेड़े ना, ठीक है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखो ऊपर एक टॉप पर एक स्पैरो यहाँ पर बैठी हुई है, और इसकी चोंच में ना ये देखिएगा, शायद आपको दिख पाए, ये कुछ दिख रहा है ना, ये है फूड, ओके। तो ये अपने बेबीज़ के लिए फूड लेकर आई है, और मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ये कैसे यहाँ पर इनको अभी खिलाने वाली है, ठीक है। दोस्तों ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लम्हे होते हैं जो हमेशा कैप्चर कर लेने चाहिए, उसमें से ये मेरा एक था, क्योंकि मैंने देखा कि ऑलरेडी जब इस हाउस में बच्चे हैं और गौरैया आसपास में कहीं ना कहीं पर जो है अपने बच्चों के लिए फूड लेकर आ रही है, तो ये था, आप देख सकते हैं ये घोंसले के ऊपर बैठी और बेबी यहाँ पर वेट कर रहा था। ये आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, जब इनको भूख लगती है तो ये थोड़ा सा बाहर निकल कर आएंगे, और ये जो बेबी है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, नियर अबाउट हाफ एंड वन मंथ का ये कंप्लीट हो चुका है, ओके। और जब कभी भी इनको भूख लगती है तो ये लोग आपस में चीं 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 करते रहते हैं, और जो मदर बर्ड है वो आती है और इनके लिए कीड़े वगैरह आसपास से लाकर इनको खिलाती है, उसी से ही इनका पूरे दिन का गुजारा वैसे चलता है। अगर थोड़ा सा गौरैया के इतिहास के बारे में हम देखें तो जो शहरी इलाकों में गौरैया है उसकी लगभग 6 अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ होती हैं, उसमें से ये जो हाउस स्पैरो है और स्पेनिश स्पैरो और सिंड स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेड सी स्पैरो,
स्पैरो और ट्री स्पैरो, ये बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाउस स्पैरो ना, ये घरेलू चिड़िया होती है, जहाँ पर लोग रहते हैं ना उनके आसपास में ये घर बनाना पसंद करती है, और वहाँ पर ये रहेगी, क्योंकि जो फूड मटेरियल्स हैं ना वो भी आसपास में काफ़ी मिल जाएंगे। और कई बार लोग जो है थोड़ा सा दलिया रख देते हैं, उनको भी अच्छे से कंज्यूम करती हैं, कंगनी है, तो इन सब चीज़ों के साथ में ये अपनी जो है ज़िंदगी बसर करती हैं। और आज जो है गौरैया विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है, लेकिन हाँ पिछले लगभग 20-30 सालों से ये बहुत ज़्यादा इनकी संख्या कम हो रही थी, क्योंकि अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, तो जब लोग रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, और जो खेत खलिहान है वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं पर घर बन रहा है, तो इस वजह से ये नंबर्स बहुत ज़्यादा कम हुआ और इनमें हमने कमी देखी, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये हम देख रहे हैं कि अगर कहीं पर लोग थोड़ा सा इनके कंजर्वेशन के लिए कोई पहल कर रहे हैं, तो कभी ना कभी कोई एक देर सवेर गौरैया का जोड़ा जो है वो वहाँ रहने आ जाता है। वैसे आप अगर थोड़ा सा इसके उस पर जाओगे, इसके रूपरेखा पर, तो ये एक छोटी सी एक चिड़िया है जो हल्के भूरे और सफ़ेद रंग में देखने को आपको मिल रही होगी, ठीक है। इसके शरीर के जो छोटे छोटे पंख हैं और चोंच जो है, बेबी स्पैरो होता है उसकी कम्प्लीटली जो अंदर का एरिया होता है ना, वो कम्प्लीटली पूरा येल्लो होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े समय में जो इनकी चोंच है वो ऑफ वाइट कलर की हो जाती है, लेकिन हाँ येल्लो होती है। अगर आप देखोगे अभी जब ये फूड को लेती है, तो अंदर से आपको येल्लो दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नर और मादा की, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो मेल स्पैरो होगा उसके ब्लैक बैंड होगा, ठीक है, गले पर काला सा धब्बा टाइप का होगा, और जो फीमेल स्पैरो है वो सिंपली आपको यहाँ पर ये दिखाई दे भी रही है, ठीक है। एक हाँ, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर गाइस, कि जब कभी भी घर बनाने की बारी आती है, तो मेल और फीमेल स्पैरो दोनों ही मिलकर घर के अंदर जो भी छोटे छोटे घास फूस के टुकड़े हैं वो लाकर रखते हैं। बट एक बार जब अंडे दे देती है ये और उसमें बच्चे आ जाते हैं, तो फिर स्टार्ट हो जाता है फीमेल गौरैया का मेन काम, ठीक है। वो मैक्सिमम दिन में इतने सारे, मैं मॉर्निंग में देखता हूँ कि 25-30 राउंड लगाती है, फिर वो दोपहर में लगाएगी, शाम को लगाएगी, ठीक है, और अपने बेबीज़ के लिए अलग अलग तरीके से कीड़े मार मार कर लाकर इनको खिलाती है, ठीक है। खेतों के आसपास में काफ़ी ज़्यादा ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बालियाँ निकलती हैं उसमें से ये लोग अपने दानों से अपनी भरपाई कर लेते हैं, ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व गौरैया दिवस, ये भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो संख्याएँ पिछले सालों में कम हुई है, उस पर चिंता करना बिल्कुल लाजमी है। और हम ये देख सकते हैं कि बहुमंजिला इमारतें लगातार बन रही है, तो गौरैया के लिए जो पुराने घर होते हुआ करते थे मिट्टी के और भी घास फूस वाले घर, उनसे इनका लगाव काफ़ी पर्सनली रहता था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें दूर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये जो गौरैया है ये भी कम हुई है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने अर्बनाइजेशन वाली जगह पर अगर ऐसे घोंसले और भी चीज़ों को हम थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर आने वाले दिनों में हमें एक गौरैया की अच्छी खासी जो नंबर्स हैं वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बताएं, जैसे कि तापमान आपने देखा कि लगातार बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वो भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो नंबर्स जो हैं इस वजह से भी कम हुए, लेकिन आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से इनको, इनके कंजर्वेशन के लिए आप थोड़ा सा काम करें और घोंसले बनाएं, क्योंकि घोंसलों की तलाश में इधर उधर होती हैं। और अदर जो बर्ड्स हैं, जो बड़े बर्ड्स हैं, जैसे आपका ये क्रो कौवा हो गया, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनके बच्चों को निकाल कर खा जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये लोग करते हैं कि थोड़ा सा जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जाएं, और वहाँ पर ये अपना घर बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के हमें पक्षी जो है देखने को कम मिलते हैं, और वो अटैक नहीं कर पाते, डरते हैं वो पक्षी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और खाना, घोंसलों, इनकी तलाश में आजकल गौरैया हम लोगों के घरों के आसपास तक आ रही है, ये आप बात मानकर चलिएगा, तो आपके घर भी एक नेक्स्ट गौरैया का जोड़ा आए, मेरी यही शुभकामनाएँ होगी। थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करिएगा, हाउस लगाइएगा, इंतज़ार करेगा, ज़रूर एक ना एक दिन आपके घर के आसपास में कोई नया आशियाना जो है, कोई एक गौरैया ज़रूर तलाशने यहाँ पर आएगी। गौरैया की जो कवायद है ना, इसको बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया, और आप ये समझ सकते हैं गौरैया को राज पक्षी भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये है कि किसी न किसी फॉर्मेट में इनको आगे बढ़ावा दिया जाए, और ये ब्यूटीफुल पक्षी और हमारे आसपास में रहें, देख लो ये बल्कि उड़ने को तैयार हो गया। ये जो पक्षी आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा स्पैरो बेबी, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और मुझे लग रहा है ये 1 से 2 दिन में ही अब इन घोंसलों को छोड़कर एक लंबी उड़ान भरने वाला है। दिल को काफ़ी सुकून मिलने वाला है, क्योंकि देखो दुख तो होगा, क्योंकि जब मैं अपनी रूफ टॉप पर जाऊंगा और वहाँ पर जब मैं शाम को चाय पीता हूँ, तो मैं इनके दर्शन जरूर करता हूँ एक बार,
और ये मुझे देखने को नहीं मिलेंगे, तो बेचैनी अपने अंदर जरूर रहेगी क्योंकि एक छोटे से टाइम से मैंने इनको देखा है। ये है मेल स्पैरो, ये भी कभी कभी आ जाता है कुछ ना कुछ खिलाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो फीमेल स्पैरो है ना, उसने इन बेबीज़ के लिए अपना 95% दिया होगा, ठीक है। तो मेल स्पैरो भी आसपास में नज़र रखता है, ठीक है, कि ताकि कोई अटैक ना करे इनके घर के ऊपर। बट हाँ, ये है कि फीमेल स्पैरो जो है वो अल्टीमेटली काफ़ी प्रोएक्टिव यहाँ पर रहती है। और देखो कितने खूबसूरत ये बेबीज़ दिख रहे हैं, इनकी चोच अभी येलो है, थोड़े टाइम में और अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और इनका साउंड बहुत ही प्यारा होता है, चिर पिर करते रहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगता है सीरियसली, ठीक है। तो गौरैया के कंजर्वेशन के लिए आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करिए, और मैं नहीं कहूँगा कि आप इनको ऑनलाइन मंगाओ, आप अपने घर पर ही जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं आप इसके अंदर एक छोटा सा होल करो, और गद्दे के अंदर जो जूट होता है उसको आप चिपकाओ, और जगह जगह पर 5-7 लगा दो। आप नारियल लेकर आते हो, उस नारियल का जो ऊपर की जो आउटर लेयर होती है ना, जब नवरात्रि या फिर फंक्शंस वगैरह में नारियल को यूज़ करते हैं, तो आप उनको जगह जगह लगाओ, और मतलब उसके छिक्कल को बॉक्सेस के ऊपर फेविकोल से सिल कर बांध कर और इनको टांग दो, कभी ना कभी आपको पक्षी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मैं आप सभी से वादा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ आएगा, थोड़ा सा लेट ज़रूर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये था, और लगातार लोग काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर देखा, उसी सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट किया। और आई थिंक आने वाले टाइम पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कितने सारे हाउसेस इन स्पैरोज़ के लिए लगा रहा हूं, अपने घर में, अपने घर के आसपास के सराउंडिंग्स में, और अपने पार्क एरियाज़ में भी, ठीक है, ग्रीन बेल्ट में भी इनके लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहा हूं। तो आप लोग भी करिएगा, बहुत ही प्यारा पक्षी है, जब कभी भी घर के आसपास में आवाज़ लगाएगा ना तो आपका दिन पूरा बन जाएगा। देखिएगा, ये फिर से एक मेल स्पैरो आया हुआ है, और इनको थोड़ा जो फूड है वो भी सप्लाई यहाँ पर कर रहा है, तो अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी पूरी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, एक बार प्लीज़ अपना अनुभव ज़रूर साझा करेगा कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और एक शेयर मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर करें अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी देख पाएँ और अपने घर में छोटा सा स्पैरो का स्पेस जरूर बनाएं। थैंक यू सो मच, और भी मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी नेस्ट को बना रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली जरूरी चीज़ क्या है कि जो होल है ना वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। देखो यहाँ पर एक डिसेंट साइज का होल है, क्योंकि अगर ये होल बहुत बड़ा होगा तो कोई बड़ा पक्षी जो है बाहर से आएगा, इनके बच्चों को बाहर निकाल कर खा जाएगा, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सिंपली आप क्या करें, जैसे कहीं पर आपको ये वाली जूट अगर मिल जाती है, ठीक है, तो आप एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लें और फेविकोल से उस जूट को चिपका दें, ठीक है, और उसमें एक छोटा सा छेद कर लें, ठीक है, और उसको कहीं पर आप दीवार में लगा दें, ठीक है, थोड़ा सा नेचर के आसपास में। और उनके लिए आप पानी रख दो एटलीस्ट, ठीक है। अगर ये कंगनी का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, देखो दलिया भी खा लेती हैं, ठीक है, स्पैरो जो है दलिया भी खाना पसंद करती हैं, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे उनका सबसे फेवरेट फूड जो है वो अल्टीमेटली कंगनी ही होता है, ठीक है। कंगनी कैसी दिखती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना दाना, ये कंगनी है, ठीक है। तो ये मार्केट में नीर अबाउट 90-100 रुपीज़ केजी आपको ये मिल जाता है, अगर आप बल्क में बाय करते हो, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। बट हाँ, अगर ये एक्सेसिबल नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो आप जो है दलिया रख सकते हो, छोटे छोटे पीसेस के दलिया वगैरह ये लोग थोड़ा सा खा लेते हैं, पसंद करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और लेकिन हाँ, पानी का अरेंजमेंट एटलीस्ट आपको रखना ही यहाँ पर है, क्योंकि विदाउट वाटर बर्ड्स आपके आसपास में नहीं दिखेंगे। अब जैसे क्या है, ये इंटरनेट का वायर जा रहा है, तो इसके ऊपर भी बर्ड्स बहुत सारे आकर बैठ जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और जब मैं इस फीडर बॉक्स में, अभी तो देखो क्या करता हूँ ना, ये उड़ता रहता है, तो मैं जब इसे पूरा ख़त्म हो जाता हूँ तभी मैं इसको दोबारा से रिफ़िल करता हूँ, ठीक है। देखो एक स्पैरो काफ़ी दूर बैठी हुई है, मैं आपको उसके पास क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी टॉप तो दिख रहा है ना, वो छोटी सी गर्दन दिखा रही है, वो स्पैरो है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं दूर जाऊँगा तो वो यहाँ पर ज़रूर आ जाएगी। तो देखो वर्ड्स तो हैं, ठीक है, आसपास में, और आप जितना उनके लिए ग्रीन इन्वायरमेंट अगर आप सेटअप कर देते हो तो और भी ज़्यादा वो हैप्पी यहाँ पर रहते हैं। फिर कुछ मैंने यहाँ पर रूफ टॉप पर यहाँ पर फ्लावरिंग लगा रखी है, तो इनसे वो और भी अच्छे से अट्रैक्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये है कोचिया था हमारे पास में, तो हमने यहाँ पर कोचिया लगाया, क्योंकि सर्दियों में कोचिया जो है वो नहीं होता, लेकिन हाँ गर्मियों आते आते कोचिया है, जीनिया है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रो करते हैं। ये कुछ हमारे पास में और जर्मिनेशन से उगाए हुए हैं प्लांट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। ये गुलदाउदी है जो भी आउट ऑफ द सीज़न ब्लूम कर रहा था,
लेकिन अब अल्टीमेटली इसके दिन जा चुके हैं। अच्छी फ्लावरिंग दी इसने, काफ़ी बढ़िया सी।